सौदा कर ले आए ले भारे सतगुरु साहूकार, सौदा कर ले आए ले भारे सतगुरु साहूकार, सौदा कर ले आए ले भारे सतगुरु साहूकार, सतगुरु साहू साहूकार, सौदा कर लिया ले भारे सतगुरु साहूकार, सौदा कर लिया ले भारे सतगुरु
बोलो श्री गुरु महाराज की जय। भाग रे भाग फकीर का बाल का कनक और कामनी भाग ला गया। मार तो लेंगे पड़ा चिल्लाएगा बड़ा बेवकूफ जो तो नहीं भागा। ऋषि श्रृंगी जैसे मार लिया और बचाने चाहे कोई लाख त्यागा। कह पलटू बचेगा सोई जो बैठ सत्संग दिने रात जागा। प्रेमियों जागने का अर्थ ये नहीं है कि हम रात भर सोए नहीं। जागने का अर्थ है चेत जाना, अपने हित और अहित को पहचान लेना, इसी का नाम जागना है। सौदा कर लिया हेली मारी सतगुरु साहूकार। ये उस प्राणी की उस जिज्ञासु की अभिव्यक्ति है कि जिन्होंने जीवन भर कमाया और इतना कमाया कि जीवन भर अथाह धन इकट्ठा किया, कुटुंब परिवार बढ़ा और एक समय ऐसा आया कि सब कुछ बट गया। कमाया हुआ धन भी बट गया और बढ़ा हुआ परिवार भी बट गया। अपने ही बेटे सब अलग अलग हो करके अपना नया घर बसा करके रहना शुरू कर देते हैं। और उस प्राणी की अवस्था क्या होती है कि उसकी चारपाई
पोड़ी में डाल दी जाती है और वो उठ करके अपने जाता है। तो लेकिन एक बात को याद रखना, संतों ने कभी भी सामाजिक व्यवस्था का विरोध नहीं किया है कि भाई बंधु तेरा कुटुंब कबीला कोई न संग में जासी, ऐसी बात नहीं है। ये सत्य है, कोई साथ में नहीं जाएगा। लेकिन उनका तिरस्कार भी नहीं किया है। अपने घर परिवार कुटुंब में रहते हुए अपने समस्त जिम्मेवारियों को जिम्मेवारी समझ करके उनका निर्वाह करते हुए अपना जीवन यापन करें, यही सुमरण है, सदगति है। अपनी जिम्मेवारियों से पलायन करके अगर कोई सन्यास लेता है तो वह सन्यास नहीं है, वो अपने ही साथ धोखा है। तो प्रेमियों, ऐसे प्राणी के भाव हैं ये, जिनके साथ गुजरी है और तब उनकी अंतरात्मा से यही बोध, यही शब्द निकलते हैं कि सौदा कर लिया है हमारे सतगुरु साहूकार। अब की बार मैंने जो सौदा किया है वो सच्चे साहूकार से किया है। वो धन बटने वाला नहीं है, चुराने वाला नहीं है, उसको कोई चुरा नहीं सकता। अब गुरु महाराज के दरबार में पहुंचते हैं तो ये वहां का वर्णन है कि कहन सुनन वहां है नहीं, नहीं बोलने को काम, सेना में नहीं हो रही समझ संत सुजान, सौदा कर लिया है हमारे सतगुरु साहूकार। गुरु महाराज के पास जो भी कोई प्राणी पहुंचता है तो वहां जाकर के अपने आप को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। वहां जाकर के अपने कुटुंब कबीला परिवार या पद ओदे की बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु महाराज के पास जो भी जाता है जिज्ञासु, गुरु महाराज तो आने वाले के भाव स्वयं ही लिख लेते हैं, उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। सौदा कर लिया है हमारे सतगुरु साहूकार। कि तोल बोल वहां है नहीं, नहीं तोलन को काम, और शब्द सने ही ले गया और ले गया मैंने भाव। गुरु महाराज से सौदा किया है, गुरु महाराज ने वस्तु दी है और वो वस्तु कैसी है, यानी कि आज तक जो सौदे किए हैं वो किसी ने किसी नाप तोल इकाई में हांके गए हैं, यानी कि नजरों से भी तोले जाते हैं। खड़ी कृषि भूमि में या खेत में खड़ी हुई फसल को ही नजर से तोल देते हैं कि इसमें 100 मण अनाज होगा, यानी कि वो भी तुल गया। लेकिन गुरु महाराज से जो वस्तु मिल रही है उसको कोई तोल नहीं सकता। कि तोल मोल वह है नहीं, नहीं तोलन को काम, और उसकी कोई कीमत भी नहीं चुका सकता। लेकिन फिर भी वो हासिल की जाती है, और वो हासिल करने की विधि क्या है कि तन मन धन अर्पण कीजिए तब सतगुरु अपना कीजिए। तन मन धन से यानी कि पूर्ण रूप से समर्पित होकर के, पहले शिष्य दाता होता है, गुरु महाराज को तन मन धन से अर्पित होता है। तन मन धन से अर्पित होने का अर्थ यह है कि वो पूर्ण रूप से समर्पित होता है, उसमें कहीं भी लेश मात्र भी अभिमान नहीं रहता। और उस अभिमान को तोड़ने के लिए, किसी के पद का अभिमान होता है, किसी के कुटुंब कबीले का अभिमान होता है, किसी को अपनी देही का अभिमान होता है, जिसका अभिमान रहेगा वो भजन नहीं कर सकता, पार नहीं उतर सकता। इसीलिए गुरु महाराज तन मन धन अर्पित करवाते हैं। गुरु महाराज को इन सब की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको अपने चरणों में समर्पित करवाते हैं कि अब तुम्हारा कुछ नहीं है, सिर्फ एक नाम रहा है इसका, इसका जाप जपना, यानी किसका अभ्यास करना। तो तोल मोल वहां है नहीं, नहीं तोलन को काम, और शब्द सने ही लेगा। जिनको लगन लगी थी वो तन मन धन से समर्पित होकर के गुरु महाराज को रिझा लेते हैं और गुरु महाराज की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। सौदा कर लिया है हमारे सतगुरु साहूकार। कि देई देवता है नहीं, नहीं अणगढ़ को काम, केवल एक ही नाम है बिन धड़ पूजो जाए। जो भी गुरुमुखी है, गुरु महाराज के अनुयायी हैं, वो इस बात को जानते हैं कि गुरु महाराज ने नाम देते हुए किसी भी देवी देवता की आराधना करने के लिए किसी को भी नहीं कहा। गुरु महाराज अपने आप को जानने के लिए, आत्मबोध प्राप्त करने के लिए नाम देते हैं, नाम का अभ्यास देते हैं।
किसी भी देवी देवता की आराधना करने के लिए गुरु महाराज प्रेरित नहीं करते हैं। तो देवी देवता है नहीं, अनगढ़ को काम, अनगढ़ होती है मौत, जिसको काल बोलते हैं। यानी कि जो गुरु महाराज नाम देते हैं वहां काल का भी प्रभाव नहीं रहता, वो भी दूर हट जाता है। केवल एक ही नाम है बिन धड़कू जो जाए। गुरु महाराज सिर्फ एक नाम देते हैं और नाम ही संसार में सर्वोपरि है। नाम के प्रभाव से ही पिंड और ब्रह्मांड रचे गए हैं। और संतों ने कहा है कि शब्द ही धरणी शब्द आकाश शब्द ही घट घटे करे प्रकाश शब्द कर्म की रेख कटावर शब्द शब्द से जाय मिलावे शब्द मत भूल रहे मेरा मीत शब्द प्रताप से काल ने जीत। संतों ने महापुरुषों ने शब्द को ही सर्वोपरि बताया तो गुरु महाराज शब्द ही देते हैं। जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं होता और जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं होगा वहां काल का प्रभाव नहीं होगा। बिन धड़ पूजो जाए यानी कि शब्द का कोई रंग रूप आकार नहीं होता है, कोई धड़ नहीं होता है, लेकिन उसका भी अभ्यास किया जाता है। सौदा कर लिया है हमारी सतगुरु साहूकार कि नाथ गुलाब योगी मिला मिल गया भरे बाजार भानी नाथ ने ले लिया सत अमरापुर जाए। अब गुरु कैसा होना चाहिए कि नाथ गुलाब योगी मिला मिल गया भरे बाजार। भरे बाजार का अर्थ है पूर्ण गुरु, आधा अधूरा गुरु किसी को भी पार नहीं लगा सकता। जिस तरह से समुद्र में बहने वाला तिनका आकाश में उड़ने वाली चिड़िया अगर थक जाती है उड़ती उड़ती उस तिनके का सहारा लेने के लिए उस पर उतरती है तो तिनका चिड़िया सहित ही डूब जाता है। इस तरह से आधा अधूरा गुरु किसी को भी पार नहीं लगा सकता, पूरा गुरु ही पार लगा सकता है। लेकिन पूरा गुरु सभी बनाना चाहेंगे। अब पूरे गुरु की पहचान क्या है? संतों ने पूरे गुरु की पहचान क्या बताई है कि साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखा हुए ना पान फूल तोड़े नहीं रहे बाग के माए। इसी संसार में रहे, हमारे बीच में रहे, लेकिन सांसारिक वासनाओं से रहित होना चाहिए। और संतों ने यहां भी ऐसा भी कहा है कि रांडी ढांडी टापरी चौथे टट्टू टार संत को ये जानिए जब रूठ जा करता। जो इन वस्तुओं में अपना मन रमाता है ये समझ लेना चाहिए कि प्रभु से उसकी लो हट गई और संसार में वो बस गया है। इसीलिए सब में बीच में रहते हुए भी कैसे रहना चाहिए संत को कि मिला रहे न्यारा का न्यारा जैसे वास है जल में तारा हमारे बीच में रहे, लेकिन सांसारिक वासनाओं से रहित होना चाहिए। ऐसा गुरु पूरा होता है और ऐसे गुरु की शरण लेते हैं तो वो पार लगा देता है कि आप हमार जगत में बैठा नहीं किसी से काम, अरे वाह मैं तो कोई अंतर नहीं फिर संत कहो चाहे राम। वो संत प्रभु के बराबर हो जाता है, परमात्मा के स्वरूप हो जाता है। और ऐसे संत के मुंह से जो भी कुछ निकल जाता है वही ईश्वर की इच्छा हो जाती है। चाहे भले किसी भी युग में किसी भी शास्त्र में किसी भी समय हमने कुछ सुना या पढ़ा नहीं हो, लेकिन संत के मुंह से अगर निकल गया तो वो भी सत्य हो जाता है। बाबा श्री गरीबनाथ जी महाराज के मुंह से निकला कि हमारा रथ तो नाथ जी के भरोसे चलता है, बिना बैलों से भी चल लेगा, और बिना ही बैलों से रथ चल करके मंदिर पर आ गया। जब उन्हें विष दिया गया तो कहा कि ये हमारा यानी कि समाज का एक प्याला है, इस प्यालों को आप पियोगे तो हमारे साथ में ही जुड़ जाओगे, आप और हमें कोई अंतर नहीं है, आज के बाद में हम तुमसे कोई भी भ्रांति नहीं करेंगे। तब बाबा गरीबनाथ जी ने कहा ये है तो वैसे लेकिन ऐसी राबड़ी छाछ हम हमेशा पीते रहते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। और जैसा कहा वैसा ही हो गया, वो राबड़ी और छाछ के बराबर हो गई। लेकिन राबड़ी पीने से कहते हैं कि कभी कभार हिज्जा भी हो जाता है, लेकिन उन संतों को कहा कि महाराज इस राबड़ी को पीने से जो हेजा होगा उसको ठीक कौन करेगा? तो वो सारे मौन हो गए और बाबा श्री गरीबनाथ जी महाराज अपने मंदिर पर आकर के उनका बनाया हुआ जो तालाब है उसमें आकर के पानी में उतर गए और रोमावड़ी क्रिया के द्वारा विष को बाहर निकाल दिया। विष ने कोई प्रभाव नहीं दिखाया लेकिन पीछे बचने वालों को हेजा हो गया। ऐसा
गुरु महाराज का प्रताप हुआ। तो जो पूरे संत होते हैं उनके मुख से जो भी कुछ निकल जाता है वो ही शाश्वत सत हो जाता है। मीराबाई कोई नाचने गाने वाली नर्तकी नहीं थी, वो अंतरात्मा से रंगी हुई एक साध्वी थी। और कहते हैं कि तन का साधु बहुत मिले और मन का मिला नहीं कोई, मन का साधु जे मिले तो विष अमृत होए। जब उस साध्वी को, उस मीराबाई को विष दिया गया वो भी अमृत हो गया, क्योंकि वो तन यानी कि कपड़े रंग करके पहन करके चलने वाली कोई साध्वी नहीं थी, कोई नर्तकी नहीं थी, वो उस परमपिता परमात्मा के लिए नाचती थी और उसी में लवलीन रहती थी। वो संसार को रिझाने के लिए नहीं नाचती थी, और जब विष दिया गया तो वो भी अमृत हो गया। तो ऐसे पूरे संत मिलते हैं वो ही पार लगा सकते हैं। तो नाथ गुलाब योगी मिला और मिल गया भरे बाजार, यानी कि मुझे श्री गुलाबनाथ जी महाराज पूरे संत मिले और उनसे मुझे नाम की दीक्षा मिली। उस नाम को मैंने लगन और विश्वास से रटा, जिसके प्रभाव से मैं आज अमरापुर जा रहा हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। जिस सत्संग में एकमत होकर के प्रभु का गुणगान, गुरु महाराज का गुणगान नहीं किया जाता तो सत्संग सफल नहीं होता, सत्संग का पुण्य प्राप्त नहीं होता। सभी एक साथ प्रेम से सामूहिक कीर्तन करेंगे, क्योंकि माया रूपी नर्तकी प्रत्येक प्राणी को भ्रमित किए रहती है। उस नर्तकी के प्रभाव से, उस नर्तकी की माया से प्रत्येक प्राणी भ्रमित रहता है, और उस माया रूपी नर्तकी का नृत्य बंद करने के लिए गुरु महाराज ने जो हमें रास्ता बताया है, यानी कि नर्तकी का जब हम उल्टा करते हैं तो नर्तकी का उल्टा करें कीर्तन बनेगा। अगर हमें किसी का विरोध करना है तो उसका विपरीत करना शुरू कर देते हैं तो उस अगला अपने आप समझ जाता है कि मेरा विरोध हो रहा, और वो स्थान छोड़ करके, मैदान छोड़ करके हट जाता है। उसी तरह से इस नर्तकी का नृत्य बंद करने के लिए, उस माया रहित होने के लिए हमें क्या करना है, सामूहिक कीर्तन करना है और इस सत्संग का फल पुण्य प्राप्त करना है। सभी मिल करके प्रेम से श्रीनाथ श्रीनाथ बोल भैया पार उतर जा तेरी नैया का सामूहिक कीर्तन करेंगे, कोई भी इस कीर्तन से वंचित नहीं रहे। बोलो श्रीनाथ जी महाराज की जय। श्रीनाथ श्रीनाथ बोल भैया पार उतर जा तेरी नैया, श्रीनाथ बोल भैया पार उतर जा तेरे नैया, श्रीनाथ श्रीनाथ बोल भैया पार उतर जा तेरे नैया, बोलो श्रीनाथ श्रीनाथ बोल भैया पार उतर जा तेरे नैया, पार उतर जा तेरे नैया, पार उतर जा तेरी नैया तेरी नैया, बोलो श्रीनाथ श्रीनाथ बोल भैया पार उतर जा तेरी नैया, बोलो श्रीनाथ श्रीनाथ बोल भैया पार उतर जा तेरी नैया, पार उतर जा तेरी नैया, पार उतर जा तेरी नैया तेरी नैया, बोलो श्रीनाथ श्रीनाथ बोल भैया पार उतर जा तेरी नैया। पार उतर जा तेरी नैया,
बोलो श्रीनाथ बोल भैया पारे उतर जा तेरी नैया बोलो श्रीनाथ बोल भैया पारे उतर जा तेरी नैया बोलो श्रीनाथ बोल भैया पारे उतर जा तेरी नैया बोलो श्रीनाथ बोल भैया बोलो श्रीनाथ जी महाराज की जय हो। चलो ओने देश में हरी हो काल के काल चलो जाए चलो उस देश में हिली मारी ओ काल की टाल
उस ऐसे में मर होए तारे की तार चलो उस ऐसे में मरी होए तारे की तार हीरा जड़ियो जान रो मरी लाला जड़ी कनार हीरा जड़ियो जान रो मरी लाला जड़ी कनार हीरा जड़ियो जान रो मरी लाला जड़ी कनार रूप वरिणो साहेबो हेली भारी रूप वरिणो हो साहेबो हेली भारी सो सोन वरिणो रूप चलो हेली भारी होवे काल की का Thank you.
कि सौदा कर लिया है हमारे सतगुरु साहूकार। गुरु महाराज से सौदा के यानी कि गुरु महाराज से नाम की दीक्षा ली, उस नाम को लगन और विश्वास से रटा तो उन्हें अनुभव हो गया कि वास्तव में ही शब्द के प्रभाव से ही जीव का आवागमन मिटता है। और उस अभ्यासी का ही ये बोल है यानी कि उनकी शरण में जो आया है वो शरणागत को या शरण में आने वाले को प्रेरित कर रहा है कि तुम अपने समस्त आडंबर छोड़ करके एक नाम पर अडिग हो, एक नाम पर सुरता लगा और शब्द के प्रभाव से ही जीव का आवागमन मिटता है। यानी कि शरण में आने वाले को प्रेरित कर रहा है और उस शब्द के अभ्यास से उस लोक की प्राप्ति होती है जहां जाने के बाद जीव का आवागमन नहीं होता है। कि चलो उन्हें देश में हेली मारी होवे काल की टाल, यानी कि हमें उस लोक की प्राप्ति करनी चाहिए जहां जाने के बाद जीव का आवागमन नहीं होता, यानी कि वापस नहीं आना पड़ता। अब इसमें अभ्यास बताया है कि निर्गुण शरीर सांकड़ी हेली मारी चढ़ो न उतरे हो जाए, चढ़ो तो हेली गिर पड़ो मारो जन्म अगार जाए। गुरु महाराज के पास जाते हैं, गुरु महाराज नाम की दीक्षा देते हैं और उस नाम को उस शब्द को श्वास श्वास के साथ यानी कि नाभि और नासिका के बीच जो श्वास चलता है, संतों ने इसे निर्गुण शरीर कहा है। संसार में दो धाराएं चलती हैं, एक सरगुण धारा एक निर्गुण धारा। सरगुण देहधारी होता है और निर्गुण देहधारी के अंदर जो चलता है नाभि और नासिका के बीच श्वास नली होती है, उसमें आने और जाने वाला जो प्राण है उसी में जीव का वास होता है, उसी में आत्मा निवास करती है। इस आने और जाने वाले श्वास को हम बंद कर दे तो आत्मा भी छोड़ के चली जाती है। तो निर्गुण शरीर सांकड़ी हेली मारी चढ़ो न उतरे हो जाए, यानी कि गुरु महाराज से नाम की दीक्षा लेते हैं, नाम गुरुमुखी होने का एक बहुत बड़ा अपना दिखावा करते हैं लेकिन नाम का अभ्यास नहीं करते, और नाम का अभ्यास करते हैं तो पालना नहीं करते। गुरु महाराज नाम देने के साथ साथ पालना देते हैं और जब तक पालनाओं का पालन नहीं करते हैं नाम प्रभावी नहीं होता है। तो निर्गुण शरीर सांकड़ी हेली मारी चढ़ो न उतरे हो जाए, चढ़ो तो हेली गिर पड़ो मारा जन्म अगार जाए, चढ़ो तो मेवा चाख लूं और गिरूं तो चकना चूर। यानी कि इसमें जो बोला गया है वो अधिकतर जिस रूप में बोलते हैं उसी आधार पर गाया गया है, लेकिन सही अर्थ यही बैठता है कि निर्गुण शरीर सांकड़ी हेली मारी चढ़ो न उतरे हो जाए, चढ़ो तो मेवा चाख लूं और गिरूं तो चकना चूर। इस नाम के अभ्यास के प्रभाव से, इस नाम की उपलब्धि से उस लोक की प्राप्ति होती है, यानी कि वो मेवा मिलता है जहां जाने के बाद उस लोक में पहुंचने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। लेकिन नाम लेकर के नाम का आडंबर करते हैं, पालनाओं का पालन नहीं करते, गुरु महाराज की अवहेलना कर देते हैं तो ऐसे गिरते हैं संसार में। फिर कोई दूसरा ऐसा अंकुश नहीं है कि उस जीव को बचा ले, तो गिरू तो चकनाचूर, यानी कि गुरु के सिवा गुरु के अलावा संसार में कोई और दूसरा ऐसा अंकुश है ही नहीं कि प्राणी को बचा ले। जब गुरु महाराज के अंकुश को नकार दिया तो कोई दूसरा ऐसा अंकुश नहीं है कि फिर कोई बचा सके, तो गिरू तो चकनाचूर। चलो उन देश में हेली मारी होवे काल की टाल। अब ये उपलब्धि कैसे प्राप्त होती है कि समस्त वासनाओं को छोड़ करके जो इस नाम का अभ्यास करता है वही सफल होता है। और संतों ने कहा है कि जोगियों का पंथ जैसे धार है तलवार की, कामों के बाण चाले काशी चाले श्यार की, मन की तरंग जैसे चिता मृगमाल की, दिल की उमंग जैसे लहर है दरियाव की, त्रिवेणी पग सोध लेना पातु धारा मार की, जुगती बिन जोगेश्वर खाली ये वृत्ति संसार की, नाथ गुलाब मिला गुरु पूरा पार्श पाई लाल की, वाणी नाथ का भाग जा गया तो कोई कमी नहीं धनमाल की।
यानी कि मन की उमंग ऐसे हैं कि दरियाओं की जो लहर होती है उसको रोक लिया जाता है, आगे आड़ लगा दी जाती है, दीवार लगा दे तो रुक जाती हैं, लेकिन मन की उमंग उठ जाती है तो वो किसी भी तरह से नहीं दब सकती। ये मन उसी तरह से दाव लगाए हुए घूमता है या बैठा रहता है जिस तरह से एक चीता या बाघ हिरण पर दाव लगाए छुपा रहता है, अवसर पाते ही उस पर कूद पड़ता है। उसी तरह से ये मानव समाज है। जब तक कानून का एक डर है, भय है, तब तक अपने आप को ईमानदार और समझदार प्रदर्शित करते हैं, और जिस दिन कानून का पर्दा उठ जाता है, कानून का प्रभाव खत्म हो जाता है, वही हवासी हो जाते हैं, यानी कि उनकी उनका पर्दा खुल जाता है और वो पशुता पर उतर जाते हैं। अभी केदारनाथ में आप सबने पढ़ने को और देखने को मिला होगा कि वहां क्या बर्ताव हो रहा था। अपनी आत्मा में ये निश्चय कर ले कि मुझे किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं करना है, भले ही कोई मुझे देखे या ना देखे, मुझे कहीं भी रहना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, मैं अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करूंगा, और इस भावना से जो चलता है वही सफल होता है। चलो उन्हें देश में हेली मारी होवे काल की टाल, कि अनहित के बाजार में हीरा को व्यापार सुगरा तो सौदा करें हेली मारी नुगरा फिर जाए। अनहित के बाजार में हीरा को व्यापार, गुरु महाराज की शरण में आया, गुरु महाराज ने नाम की दीक्षा दी और नाभि और नासिका के बीच चलने वाले श्वास श्वास के साथ निर्गुण शरीर में, यानी कि निर्गुण गली, निर्गुण रास्ता, इसी रास्ते से आने और जाने, यानी कि शब्द को इसी में घुमाना है, इसी में अभ्यास करना है, और इस अभ्यास को शुरू कर दिया तो अनहद उसी को कहते हैं, यानी कि जीव के अंतिम समय तक श्वास चलता रहता है। अनहद के बाजार में हीरा को व्यापार, ये श्वास श्वास के साथ जो इस शब्द का अभ्यास करता है वो हीरे और मोती की तरह प्राप्त होता है, यानी हीरे और मोती प्राप्त कर लेता है या परमानंद की प्राप्ति करता है। अनहद के बाजार में हीरा को व्यापार, यानी कि इस अभ्यास से कोई नुकसान नहीं होने वाला। हीरे और मोती आदमी जीवन भर कमाता है, धन कमाने के लिए दौड़ता है, लेकिन हीरे मोती नहीं कमा सकता, और इस अभ्यास से हीरे और मोतियों से भी बढ़कर के उपलब्धि होती है। अनहद के बाजार में हीरा को व्यापार, सुगरा तो सौदा करें हेली मारी नुगरा फिर जाएं, और इस अभ्यास में वही सफल होते हैं, वही पार उतरते हैं, उस लोक में वही पहुंचते हैं जो गुरु महाराज के नाम के साथ साथ, नाम के अभ्यास के साथ साथ, गुरु महाराज की दी पालनाओं का पालन करते हुए नाम का अभ्यास करते हैं, नुगरा फिर जाएं, यानी कि गुरु महाराज की दी हुई पालनाओं का पालन न करके नाम जपने का एक दिखावा करते हैं, वो नुगरे होते हैं। जो गुरु महाराज की अवहेलना कर देते हैं वो नुगरे होते हैं, जिन्होंने अभी तक गुरु नहीं बनाया, गुरु की शरण नहीं ली, वो नुगरे नहीं होते, वो अज्ञानी पुरुष होते हैं, वो पापी हो सकते हैं लेकिन नुगरे नहीं होते। इसीलिए गुरु बना करके कभी भी गुरु का तिरस्कार नहीं करना। चलो उन्हें देश में हेली मारी होवे काल की टाल, हीरा जड़ियों झालरो हेली मारी लाला जड़ी कनार, रूप वर्णो साहेबो हेली मारी सोना वर्णो रूप। गुरु महाराज की शरण में आए, गुरु महाराज से नाम की दीक्षा ली, उस नाम को नाभि और नासिका के बीच चलने वाले श्वास श्वास के साथ अभ्यास किया, अनहद में उतरे, यानी कि उस श्वास में इतने रमे की उपलब्धि, उस परमानंद की प्राप्ति हुई, और किस लोक में पहुंच गए, किन में सम्मिलित हो गए, हीरा जड़ियों झालरो हेली मारी लाला जड़ी किनार, इस अभ्यास के करते हुए उसकी कीमत हीरे और मोतियों की तरह अमोलक हो गई, यानी कि उस लोक में पहुंच गए और उस महापुरुषों में सम्मिलित हो गए जिन्होंने इस नाम का अभ्यास करते हुए उस परम धाम को प्राप्त किया है, और वहां का जो मालिक है, जो स्वामी है, वो कैसा है,
कि रूप वर्णो साहेब वो हेली मारी सोना वर्णो रूप। जिस तरह से सोना निष्कलंकित होता है, निष्काई होता है, हजार टुकड़े करने के बाद भी जुड़ जाता है, वो परमपिता परमात्मा भी उसी तरह से है। वो अखंडित है, उसको कोई खंडित नहीं करने वाला। चलो उन देश में हेली मारी होवे काल की टाल, कि ना उगे ना हाथ ना हेली मारी, ना उठे घोर अंधेरे, एक भान की क्या पड़ी हेली मारी करोड़ भान प्रकाश। गुरु महाराज की शरण में नाम लिया, नाम को श्वास श्वास के साथ अभ्यास किया, परमानंद को उस लोक को प्राप्त हुए, उन महापुरुषों में सम्मिलित हो गए जिन्होंने पहले ही अभ्यास करके उस धाम को प्राप्त किया है। और वो भी अभ्यास करता है उस धाम को प्राप्त होता है, और वहां जाने के बाद क्या होता है कि ना उगे ना हाथ ना हेली मारी, ना उठे घोर अंधेरे, वहां जाने के बाद न जन्म होता है न मृत्यु होती है। जब जन्म नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, तो फिर उसकी अवस्था क्या होती है कि एक भान की क्या पड़ी हेली मारी करोड़ भान प्रकाश, यानी कि एक आत्मा रूपी प्रकाश उस विराट प्रकाश में समावित हो जाता है, एकाकार हो जाता है और करोड़ों सूर्यों की तरह चमकना शुरू हो जाता है। यानी कि वो अपना एक अस्तित्व नहीं रहता, वो उस विराट प्रकाश पुंज में समावित हो जाता है, अपनी आत्मा रूपी लो, आत्मा रूपी प्रकाश उस विराट प्रकाश पुंज में मिल जाता है। चलो उन देश में हेली मारी होवे काल की टाल। गुरु महाराज की शरण में आए, गुरु महाराज से नाम की दीक्षा ली, श्वास श्वास के साथ अभ्यास किया और इतना किया कि उस सतलोक की प्राप्ति हुई। लेकिन वहां जाने के बाद एक शंका प्रकट होती है कि जीव जब तक यहाँ धरती पर रहता है, पृथ्वी पर रहता है, तो उन्हें वासनाएं सताती रहती हैं कि भूल गई राग रंग, भूल गई जखड़ी, और तीन चीज याद रही, लून तेल लकड़ी। यानी कि प्रत्येक प्राणी यहाँ भ्रमित रहता है, काड़बली का भंवर जाल में दुनिया ही उलझ पड़ी। यानी कि यहाँ आकर के प्राणी हर समय दुखी रहता है, हर तरह की वासनाएं उन्हें घर्षित किए रहती हैं। लेकिन कबीर साहब जी क्या कह रहे हैं कि जिन वासनाओं को यानी कि पालना गुरु महाराज जो दे रहे हैं, उसी में ये आता है कि समस्त वासनाओं से रहित होकर के जो हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा समझ करके अपनी जिम्मेवारियों का सही ढंग से सही समय पर निर्वाह करते हुए उस नाम का अभ्यास करते ही वही सुमरण को प्राप्त होते हैं। सुमरण यानी कि सु और प्लस मरण, सु माने अच्छा, मरण माने मरना होता है, यानी कि सुमरण अच्छा मरण उन्हीं का होता है, मुक्ति उन्हीं की होती है जो अपने समस्त जिम्मेवारियों का सही ढंग से सही समय पर निर्वाह करते हुए गुरु महाराज के नाम का अभ्यास करते रहते हैं और अंतगते में वो सुमरण को प्राप्त होते हैं, इसी को सुमरण कहते हैं। कवि साहब जी फिर अपने शिष्य धर्मीदास जी को आश्वासन दे रहे हैं, किस बात का, कि संसार के प्राणी जिस वासनाओं से घर्षित रहते हैं, जो दुख यहाँ संसार में इस प्रकृति में इस धरती पर लगा रहता है प्रत्येक प्राणी को, वहां जाने के बाद वो फिर से जागृत नहीं होंगे। यानी कि जिन वासनाओं को छोड़ करके, जिन वासनाओं का त्याग करके जो उपलब्धि प्राप्त की है, वहां जाने के बाद फिर से वो जागृत नहीं होंगी। कि ना बरसे ना होल रहे हमारी सुखा नहरिया हो, यानी कि जिन वासनाओं को तूने छोड़ दिया है, तिरस्कार कर दिया है, वो वासनाएं फिर से वहां जागृत नहीं होंगे। तू निसंग रहेगा, तो स्वच्छंद रहेगा, वहां जाकर के तुम्हें कोई वासना नहीं सताएंगे। तू निर्भय रह करके इस नाम का अभ्यास करे, कह कबीरो धर्मी दास ने मरे ना बूढ़ा हो। और इस तरह का अभ्यास करते हुए जो उस लोक को उस परम पदवी को प्राप्त होता है, उसका जन्म मरण खत्म हो जाता है, वो अजर अमर हो जाता है। जब जन्म ही नहीं होगा तो उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा कि मरे ना बूढ़ा हो। जब जन्म नहीं होगा तो बूढ़ा नहीं होगा, बूढ़ा नहीं होगा तो मृत्यु नहीं होगी। चलो उन देश में हेली मारी होवे काल की टाल। बोलो श्री गुरु महाराज की।
कोई बात नहीं, मैंने मैंने अंदर जाके देखा।